अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दही फुल्की चाट। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। सबसे पहले जिससे हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे वो देख लेते हैं। 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, हसबे जायका नमक है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, पानी हसबे ज़रूरत। अब जो चीज़ें हमें दही के लिए चाहिए वो देख लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हसबे जायका नमक है, 1 बड़े साइज़ में मैंने प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने धनिया लिया था और 1 टीस्पून ही पुदीना है, इसको भी मैंने बारीक बारीक ही कट किया है, 1 बड़े साइज़ में मैंने आलू लिया था इसको मैंने बॉयल करके छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया है, 2 कप तकरीबन मैंने चने लिए हैं इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। अब हम फुल्की बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसन लिया है, बेसन में जो मैंने नमक बेकिंग सोडा और ज़ीरा लिया था साबुत वो डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ड्राई ही मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है जो बेकिंग सोडा और नमक है इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इससे ये है कि जो हमारा बेसन है वो पतला हो सकता है। ये देखिए हमने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स किया है कि इसका एक थिक सा बैटर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक या पतला नहीं करना है। अगर हम इससे ज़्यादा गाढ़ा या पतला इसको कर देंगे तो जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी, और जो इससे पतला हो गया तो जो फुल्कियाँ हैं वो बनेंगी ही नहीं। अब हम मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था। इसके बाद हमने ऑयल को गरम किया है, ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, इसको मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। इससे ज़्यादा हम इसको हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, उससे ये होगा कि जो फुल्कियाँ हैं वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसको हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। 5 मिनट मैं इसको एक साइड से पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमें इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी है, इसको भी हम 5 मिनट तक पकाएंगे। टोटल मैंने इसको 10 मिनट पकाया है। इसको पकाने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर की हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो तैयार हुई हैं। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने दूसरी साइड पे पानी लिया था, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अब जो हमने फुल्कियाँ ली थी हम इसमें फुल्कियाँ डाल देंगे, और मैं इसको 5 मिनट के लिए इसमें डिप करके रखूँगी। इससे ज़्यादा हम इसको डिप नहीं करेंगे तो जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो टूट सकती हैं। मैंने इस पे सारी फुल्कियाँ डाली थी, और इसके बाद 5 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको दबाकर इसका सारा पानी निकाल दिया है। मैंने हथेली पे फुल्की को रखा है और दूसरी हथेली से इसको दबाया है। इस पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो फुल्कियाँ टूट जाएंगी। अब मैंने 1 किलो दही ले लिया था, उसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से इसको फेंटने के बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, साथ ही गरम मसाला डाल दिया है, और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। ये देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें कोई सुरख मिर्च वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं। अब मैंने एक बाउल लिया था, बाउल में मैंने दही को डाला था, उसके ऊपर मैंने फुल्कियाँ डाल दी थी, फिर मैंने दही डाली है और फिर से मैं फुल्कियाँ डाल दी हैं मैंने इस पर। अब हम फिर से इस पर दही डालेंगे, और जो हमने प्याज लिया था अब वो डालेंगे। हमें इसकी लेयरिंग करनी है। ये देखिए अब मैंने जो धनिया पुदीना लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। अब हमने जो आलू बॉयल किए थे वो भी डाले हैं इसमें, और साथ ही मैं इसमें चने डाल दूंगी, उसके ऊपर मैं फिर से दही डालूंगी। इसको मैंने अनार और प्याज के साथ गार्निश किया है। हमारी मज़ेदार सी दही फुल्की चाट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।